नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। जल जीवन मिशन के तत्वधान में प्रेमा एजुकेशनल एकेडमी में प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन एवं इंडिको टेक्निकल सर्विसेज लखनऊ के तत्वधान में चल रहे पंचायत प्रतिनिधियों का विकास खंड स्तरीय प्रशिक्षण महंदवाल विकास खंड के अंतर्गत प्रेमा एजुकेशनल डिग्री कॉलेज में प्रारंभ हुआ, जिसमें महंदवाल विकासखंड के समस्त प्रधान सचिव, लेखपाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य, रोजगार सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्राम पंचायत सदस्य ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बसंत त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार मौर्य, सहायक विकास अधिकारी राजेश पांडे के द्वारा किया गया। तहसील महंदवाल से धर्मेंद्र कुमार मिश्र की खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के थर्ड फेज का प्रथम दिवस था, लगभग जो भी टॉपिक्स थे वो हमने आपको बताए, कैसे हम पानी समित पर काम करेंगे, कैसे जल जीवन मिशन में लोगों को जागरूक करेंगे, किस प्रकार हम लोगों के अंदर ये भाव प्रकट कर सकते हैं कि हाँ सबकी जरूरतें हैं, हमारा व्यक्तिगत लाभ है पानी से, पानी अगर नहीं रहेगा तो हम सबको उससे खुद ही परेशानी होगी। इन सभी विषयों पर हमने चर्चाएं करी हैं। आज का विषय यहीं पर समाप्त होगा। कल हमारा वित्तीय प्रबंधन एक टॉपिक है, वाटर रिचार्ज के बारे में आज हमने बता दिया। दो दिवसीय हमारा ये कार्यक्रम है, कल आप सभी को दूसरे दिवस में 10 बजे यहाँ पर उपस्थित होना है और कल ही आपको प्रमाण पत्र और इस प्रशिक्षण का सम्मान पत्र एक तरीके से वो आपको यहाँ से वितरित किया जाएगा, ठीक है। जितने लोग नहीं आ पाए हैं उनको पुनः एक बार आप यहाँ से जाके बताइए कि हाँ इस तरीके का कार्यक्रम है। सबको प्रशिक्षण किन लोगों को आप दे रहे हैं, जैसे प्रशिक्षण देने का कोई एक क्राइटेरिया होगा कि इन लोगों को प्रशिक्षण मिलना है? आपको बताना है जी, देखिए जल जीवन मिशन फेज 3 का या पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यक्रम जी, पहले लोगों ने फर्स्ट फेज में तकनीकी की महिलाओं का प्रशिक्षण करवाया था, सेकंड फेज में हमारे तकनीकी कर्मी थे जो राजमिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इस तरीके से। थर्ड फेज हमारा जो चल रहा है इसमें हमारे पंचायत प्रतिनिधि जैसे प्रधान हो गए, सचिव हो गए, लेखपाल हो गए, रोजगार सेवक हो गए, पंचायत सहायक हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, BDC मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य हो गए, इन सबको भी एक तरीके से एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत सबको, क्योंकि ये गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं, अगर हम इनको बताएंगे तो ये अपने अपने ग्राम पंचायतों में जाकर चीज लोगों को बताएंगे, समझाएंगे और इनका मानना कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम तभी सफल है जब सबका साथ और एक साथ मिलकर सर। इस प्रशिक्षण के दौरान इन लोगों को सुविधाएँ क्या आपके संस्था के द्वारा दी जाएंगी? सुविधाएँ इनको यहाँ पर आने के बाद इनको इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो किताब है, कॉपी है, किट है, वो सारी चीज़ें तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कराई जाएंगी, भोजन आज लंच की सब व्यवस्था यहाँ पर करी गई है जी। और इसके बाद प्रमाण पत्र के लिए अगले दिन को प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया जाएगा। अच्छा, क्या आने जाने जैसे जो अपने गांव से आ रहा है? नहीं नहीं, इस तरीके का कुछ ऐसा नहीं है, और इस तरीके का अगर कुछ होगा तो खाता नंबर लिया जा रहा है आपके खाता में डायरेक्ट, इस वजह से ही काउंट। आप अपना इसमें परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुभम।